हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अंकित सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन रूम में। आज मैं आपके लिए औसत का चैप्टर लेके आया हूं, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जब तक औसत चैप्टर क्लियर नहीं हो जाएगा, ये बैक टू बैक क्लास चलती रहेगी। तो आप बने रहें हमारे साथ रेगुलरली और कॉपी पेन लेकर हो जाइए तैयार। हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले थोड़ा हम औसत के बारे में जान लेते हैं, कैसे निकालना है, क्या करना है हमको इस बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि औसत निकालेंगे कैसे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमको करना क्या है, जितनी भी संख्याएं दी होंगी, यानी कि कुल संख्याएं जो भी दी होंगी, उनका हम लोग कर लेंगे योग। क्या कर लेंगे? योग, यानी कि उन सबको जोड़ लेंगे, ठीक है। जोड़ने के बाद जितनी संख्याएं दी होंगी हम लोग वो लिख देंगे। डिवाइड कर देंगे, हमारा औसत निकल के आ जाएगा, ठीक है। करना क्या है, सबसे पहले जो संख्याएं दी हैं उन सबको जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद जितनी संख्याएं दी हैं उनसे हमको डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने पे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, औसत। चलिए देखते हैं, हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। दिया गया है 4, 6, 8, 12। पहला क्वेश्चन दिया गया है 4, 6, 8, 12 कह रहा है इन सबका औसत निकालना। देखते हैं इन सब का औसत निकालना है हमको। हमने क्या बताया, सबसे पहले सबको जोड़ लेना है, ठीक है। तो हम सबको जोड़ लेते हैं, 6, 4, 10, 10, 8, 18, 18, 12, 30। और उसके बाद क्या कहा गया है, जितनी संख्याएं हैं उससे भाग दे दो। तो 4 संख्याएं हैं 4 से भाग दे देंगे, तो 30/4। 4 7 28 2 2.20 4 5 20, हमारा औसत निकल के आ गया 20, है ना। आसान, बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने वाला हूँ, बस रेगुलर बने रहिए हमारे साथ। जीरो से कैसे आप हीरो होते हैं मैथ में, ये आप देखेंगे। रेगुलर हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो लोग नए हैं, बेल आइकन को दबाएं जिससे हमारे आने वाले वीडियोस का आप सभी को पता चलता रहे। बैक टू बैक सीरीज डेली मैं देता हूँ। तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिया गया है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, बहुत बार पूछा जाता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, और हम लोग 1 लिख के आ जाते हैं बहुत बार। और सबसे बड़ी गलती हमसे यही हो जाती है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ना कि 1, ठीक है ना। 1 कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है। पूछ देते हैं सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सम अभाज्य संख्या भी 2 ही होती है, इस बात को याद रखेंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा जाता है। जो लोग यूपी टेट सी टेट की तैयारी कर रहे हैं या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा गया है। यही नहीं, SSC में भी पूछा गया है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार मैं कह रहा हूँ, इसको याद रखेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो हमारी 2 होती है, सम अभाज्य संख्या तो भी हमारी 2 होती है, ठीक है, इस बात को दिमाग में बिठा लेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं, कहा गया है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालिए। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या निकाल लेते हैं। अब एक बात और करते हैं कि अभाज्य संख्याएँ होती क्या हैं, हम लोग इसको भी डिस्कस करते हुए चलते हैं, ठीक है ना। तो अभाज्य संख्याएँ वो होती हैं जो 1 को और खुद को छोड़ करके, यानी 1 से और स्वयं से, ठीक है, इन दोनों को छोड़ करके अन्य किसी भी संख्या से डिवाइड ना हो। जैसे हम बात करते हैं 3 की, ठीक है, तो 3 किससे किससे डिवाइड होता है, एक तो स्वयं 3 से होता है, दूसरा 1 से होता है, इसके अलावा किसी और संख्या से नहीं होता। हम लोग बात करते हैं 13 की, यानी कि 13 की, 13 खुद 13 से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, इसके अलावा किसी और संख्या से डिवाइड नहीं होता है, तो यह एक अभाज्य संख्या है। वही अगर हम बात करें 12 की, तो 12 कितनी संख्याओं से डिवाइड होता है, खुद से होता है, 1 से भी होता है, मगर 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, 4 से भी होता है, 6 से भी होता है, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं होगा। 13 और 12 में आपको फर्क समझ में आ रहा होगा, 13 क्या है, खुद से डिवाइड होता है, 1 से होता है, बाकी किसी से नहीं होता है। 12 खुद से 1 से तो होते ही होते हैं, साथ में और भी संख्याओं से डिवाइड होता है, तो अभाज्य संख्याओं में आपको फर्क समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं पहली 5 अभाज्य संख्याओं की ओर। तो सबसे पहले हमने बताया सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है हमारी, इसके बाद अगली अभाज्य संख्या आएगी 3, फिर 5, फिर 7 और फिर 11। हम इन सबको जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद 5 से भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम जोड़ लेते हैं, 3, 2, 5, 5, 10, 7, 17, 17 और 11, 17, 11 हमारा हो जाता है 28।
और नीचे हमको क्या करना है, 5 लिख देना है। तो 28/5, 5/25 बचा कितना, सॉरी 5/25 बचा कितना, 3। दशमलव लगाया, 0 बढ़ा दिया, हो गया 30, 5 6 का 30, यानी कि 5.6 हमारा औसत आ गया। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होता है, 5.6, याद रखेंगे इस बात को। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, दिया गया है 3 संख्याओं का औसत 10 है, यदि पहली 2 संख्याओं का औसत 11 हो तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कहा गया है, 3 संख्याओं का औसत 10 है, देखते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि औसत होता क्या है। औसत होता है संख्याओं का योग, बटे कुल संख्या बराबर औसत। अब यहां पर कहा गया है 3 संख्याओं का औसत, यानी कुल कितनी संख्याएं हैं 3, औसत कितना है 10। हमको योग पता नहीं है, हमने योग को मान लिया x, ठीक है, x अपॉन 3 बराबर 10। तो योग कितना हमारा निकल के आएगा, x इक्वल 10 × 3, यानी कि 30। वहीं दूसरी तरफ आ गया, 2 संख्याओं का औसत 12 है, 2 संख्याओं का औसत 11 है, ठीक है। तो दूसरी तरफ हम ले लेते हैं, तो हमने इस बार ले लिया 2 संख्याओं का योग y, अब कुल संख्या कितनी है 2, औसत कितना है 11, ठीक है, औसत कितना है 11। तो यहाँ से यानी 2 संख्याओं का योग कितना निकल के आएगा, 11 × 2, यानी कि 22। 2 संख्याएं जिनका योग 22 है, 3 संख्याएं जिनका योग 30 है, हमको निकालना है तीसरी संख्या। क्या करेंगे, दोनों को घटा दें, यानी कि x माइनस y अगर हम कर देंगे तो हमारा तीसरी संख्या की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तीसरी संख्या हमारी कितनी आई, 8, ठीक है, समझ में आया है ना, आसान। थोड़ा सा हम आपको समझाने के लिए बड़ा कर रहे हैं, मगर आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत कम लाइनों में कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। दिया गया है एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा 10 मैचों में बनाए गए रनों का औसत 45.6 है। एक क्रिकेट खिलाड़ी है जिसने 10 मैच खेले और उसमें उसके द्वारा बनाए गए कुल रनों का औसत 45.6 है। ले लेते हैं, 10 मैचों में उसने कुल 45.6 के औसत से रन बनाए, ठीक है, तो उसके जो कुल रन हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 10 का गुणा इसमें करा देंगे, यानी कि उसके कुल रन जो हो जाएंगे वह है 456 हो जाएंगे, ठीक है, इस बात को भी याद रखेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं सवाल में, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कहा गया है यदि पहले 6 मैचों में औसत 48 हो, अंतिम 4 मैचों का उसका औसत निकालिए। अगर आप पहले 6 मैचों का औसत जो है वह 48 है, तो इस बार 6 मैचों का हमने औसत लिया कितना, 48, तो 6 मैचों के कुल रन जो हो गए वह कितने हो गए, गुणा करा लेते हैं, तो 8 × 48 = 8, 5 × 4, 6 × 24 और 4 × 28, हम दोनों को घटा लेंगे, ठीक है, घटाने पे हमारा जो आएगा उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो जब हमने इसको घटाया तो यहाँ हो जाएगा हमारा 8, यहाँ 6 और यहाँ पर 1, 168, ठीक है। ये 4 मैचों के कुल रन आ गए, जितने उसने 4 मैचों में रन बनाए, इसको हम डिवाइड कर देंगे 4 से, हमारा औसत आ जाएगा 4 × 16, 4 × 2 = 8, यानी कि 4 मैचों का जो उसका औसत आया वह कितना आया, 42 रन, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। दिया गया है एक फैक्ट्री में 15 व्यक्ति काम करते हैं, इनमें से 10 व्यक्तियों का 1500 रुपये प्रति माह की दर से, 5 व्यक्तियों को 2220 रुपये प्रति माह की दर से वेतन मिलता है, फैक्ट्री में प्रति व्यक्ति औसत वेतन कितना होगा। देखते हैं इस सवाल को भी, बहुत ही आसान सवाल है, परीक्षा में जिस प्रकार से पूछे जाते हैं ठीक उसी प्रकार से हम क्वेश्चन लेके आते हैं, बहुत बार पूछे गए क्वेश्चंस ये हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 10 व्यक्तियों को कुल कितना औसत
वेतन मिलता है, तो 10 व्यक्तियों को जो औसत वेतन मिलता है वह हमारा है 1500। तो कुल वेतन कितना हो जाएगा? 1500 × 10 यानी कि 15000। कुल वेतन कितना हो गया? 15000। अब वही बात करते हैं 5 व्यक्तियों की। तो 5 व्यक्तियों को जो हमारा औसत वेतन मिलता है वह कितना मिलता है? 2220 रुपये। ठीक है, अब इसको हमने जब कुल वेतन के रूप में निकाला तो हमने जब हमने कुल वेतन के रूप में इसको निकाला तो हमने पाया 0, 5 × 10 = 0, 5 × 10 = 11, 5 × 10 = 11, यानी कि 11100 रुपये। अब कहा क्या है उसने कि कुल कितना रुपया, अगर टोटल का औसत निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुल कितना रुपया खर्च हो रहा है ये निकाल लेते हैं, इनको जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने पे हमें पता चला कि ₹26100 कुल वेतन दिया जाता है। कितने लोगों को दिया जाता है ये भी निकाल लेंगे, 15 व्यक्तियों का कुल वेतन जो है वह 26100 रुपये है। हमको निकालना है औसत वेतन, क्या करेंगे 15 से इसको डिवाइड कर लेंगे। जब हमने इसको 15 से डिवाइड किया तो देखा 15 × 1=15। ठीक है, बचा कितना? 11 हुआ 110, 15 × 6 = 90, 15 × 7 = 105, 105 अभी कितना बचा? 15 × 7 = 105 और यहाँ पर हमारा बचने वाला है 5, 111 6। ठीक है, 15 × 7 = 105 और बचा हमारा 6, 15 × 7 = 0, 1740 रुपये। कुल औसत वेतन जो हमारा आया वह कितना आया? 1740 रुपये। फिर से एक बार देख लेंगे, 15 × 1=15 बचा 11 हुआ 111, 15 × 7 = 105 बचा 6 हुआ 60, 15 × 60 = 0 बचा, उसको हमने वैसे ही रख दिया। यानी कि हमारा जो आंसर आया है वह प्रत्येक व्यक्ति का औसत वेतन 1740 रुपये आ गया। याद रखेंगे इस बात को। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। कहा गया है 5 बच्चों का औसत उम्र 7 वर्ष है। 5 बच्चों की औसत उम्र कितनी दी गई है? 7 वर्ष। चलिए देखते हैं, तरीका याद रखिए बहुत आसान है, आप कर सकते हैं आसानी से, कोई भी कठिनाई नहीं है करने में। जहां नहीं आए आप हमसे संपर्क करें, कमेंट करें, नहीं कमेंट कर रहे हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आप हमेशा नोट रखें अपने पास। जब भी कभी भी कोई दिक्कत हो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर SMS करके आप हमसे शेयर कर सकते हैं। यही नहीं कि मैथ में ही हमारे पास GS की, हिंदी की, इंग्लिश की, साइंस की, मैथ की, रीजनिंग की, कोई भी प्रॉब्लम आप शेयर कर सकते हैं, मैं उसका हल आपको दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया गया है 5 बच्चों का औसत उम्र 7 वर्ष है, तो बच्चे कितने हैं इस बात को हम लिख लेंगे, औसत उम्र लिख लेंगे। ठीक है, औसत उम्र लिख लेंगे और कुल उम्र लिख देंगे, कुल कितनी उम्र हुई ये भी हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो 5 बच्चे हैं, औसत उम्र 7 वर्ष है, तो कुल उम्र इनकी कितनी हो जाएगी? 35 वर्ष। याद रखेंगे इस बात को, कुल उम्र कितनी हो जाएगी? 35 वर्ष। यदि उनके पिता को भी मिला दिया जाए तो औसत उम्र 6 वर्ष और अधिक हो जाती है। उनके पिता की उम्र बताइए, अगर उनके पिता को मिला दिया जाएगा तो यहाँ कुल कैंडिडेट कितने हो जाएंगे? 6। उम्र में कितना बढ़ रहा है? कह रहा है 6 और अधिक हो जाती है, 6 अधिक हमने लगा दिया तो ये 7 और 6 कितना हो जाएगा? 13। अब कह रहा है कुल उम्र कितनी हो जाएगी, तो हमने इसका गुणा इस पर करा दिया। ठीक है, तो 13 का पढ़ा पढ़ते हैं कि 6 बार पढ़ना है, तो 13 × 6 यानी कि 78, हम इनको घटा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, घटाते हैं तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 4, यानी कि उनके पिता की जो उम्र है वह कितनी हो जाएगी? 43 वर्ष। ठीक है, याद रखेंगे
अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कल करने वाले हैं, तो कल आप हमारी क्लास जरूर ज्वाइन करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोस का आपको पता चलता रहे। साथ ही दोस्तों अभी हम ये औसत पढ़ा रहे हैं, औसत के बाद हम लोग चलेंगे थोड़ा प्रसव पे, फिर लाभ हानि पे, बैक टू बैक क्लास चलती रहेगी। तो आप पेशेंस के साथ पढ़ते रहें, आपको सफलता मिलेगी, ये मेरा वादा है। और इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, कल फिर मिलेंगे इसी समय।